हाय एवरीवन, वेलकम टू माय रेसिपीज़। आज हम बना रहे हैं पनीर भुर्जी। बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनती है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम पनीर ले लिया है। अब मैं पनीर को इस तरह से हाथों से क्रश कर लूँगी, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। ये रहे हमारे बाकी के इन्ग्रीडियंट्स। अब सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स, जीरा और अब ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। प्याज को आपको लाइट सॉटे ही करना है। और अब ऐड करेंगे ग्रेटेड जिंजर, अदरक। अदरक को आप तब तक भून लें जब तक कि इसमें से रॉ स्मेल ना चली जाए। अब ऐड करेंगे कोरिएंडर पाउडर, धनिया। अब ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर और अब ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब ऐड करेंगे कटी हुई टमाटर। आप टमाटर को तब तक भून लें जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। आप चाहें तो इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब ऐड करेंगे पनीर। पनीर को आप अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद हीट को ऑफ कर दें। और इसके बाद अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क। मिल्क को ऐड करने से भुर्जी में बहुत ही अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आता है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लें। भुर्जी रेडी है। अब हम किसी बोल में इसे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम बोल को ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे भुर्जी को। इस तरह से प्लेटिंग करने से आपकी डिश बहुत ही अच्छी दिखती है। और हम इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और हम गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो ट्राई करें। थैंक यू।